हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सागर। तो आज हम देख रहे हैं सिलेरियो। सिलेरियो का ये जो बेस मॉडल है, तो आप देख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी सेंट्रो वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। आप इसके हेडलैम्प्स देख सकते हैं, आप इसके हेडलैम्प्स देखते काफ़ी है। इसके व्हील जो है बेस वाले, नॉर्मली मैं अपने जो व्हील आते हैं अपने स्टील वाले, पीछे से इसकी हेडलाइट देख सकते हैं, कुछ फ्रूटी टाइप कुछ दिखते हैं। यहाँ पर डिक्की के अंदर आपको थोड़ी स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। वैसे ही ऐसा कुछ इसका लुक दिखता है। अब देखते हैं इसकी रियर सीट पे हमें कितना, सॉरी फ़ोन गिर गया, देखते हैं हमें रियर सीट पे कितना कंफर्टेबल है। रियर सीट पे बात करें तो थोड़ा सा नी रूम में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं थोड़े फुट मेरे लंबे थोड़े आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली हैंड से आपको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर डोर का जो विंडो मिल जाएगा, और सिंपली आगे का कुछ डैशबोर्ड जो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पर भी सेम आपको कुछ पानी की बोतल, यहाँ पर स्पीकर्स के लिए जगह, और यहाँ पर हैंडल ऑपरेट के लिए, और यहाँ पर डोर अनलॉक के लिए बटन्स। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बेस मॉडल में आपको सिंपली मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग मिलेंगे। यहाँ पर एसी वेंट्स, यहाँ पर इस और ऐसा कुछ जिसका स्पीडोमीटर है। एक मिनट में फ्लैश बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ जिसका स्पीडोमीटर है। ये पेट्रोल में ही अभी खाली गाड़ी। यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एसी जो है आपको मैनुअल एसी मिलेगा इसके अंदर। ये आपका गियर नॉब, मैनुअल गियर सिस्टम। यहाँ पर 12 वाट का चार्जर, यहाँ पर यूएसबी ऑक्स, यहाँ पर ग्लव बॉक्स, एसी वेंट, एयर बैग। यहाँ पर इसे अंदर का फील जो है थोड़ा मुझे कुछ एस्प्रेसो से मिलता जुलता लग रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आर्म रेस्ट भी नहीं है, अगर आ जाता तो काफ़ी मज़ा आ जाती थी। यहाँ पर मिरर, अपना टिकट होल्डर, मिरर नहीं इसके अंदर, मिरर जो है एडजस्टेबल मिरर है मैनुअली वो भी। तो आप देख रहे हैं अभी जो है बेस मॉडल सिलेरियो। तो यहाँ पर जो आपको लाइट जो है ऑपरेट करने के लिए मिलेगी, वो जो आप नॉब जो है आप 1, 2, 3, 4 उसके ऊपर डिपेंड करके आप जो लाइट या इसके ये कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी स्पेस लग रही है यहाँ पर। इसकी प्राइस आई थिंक मुझे पता नहीं है, बट प्राइस एकदम रीजनेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल रही है। मैं गाड़ी चालू करके बताता हूँ आपको, अब बताना। एसी जो है काफ़ी अच्छा एसी है, नई गाड़ी इसके लिए तुरंत कूलिंग तो हो रही है। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और साथ ही जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।